हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑफ रियाज़ कॉर्नर। तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मूली का सीज़न है तो मैंने ये फ्रेश फ्रेश मूली बहुत अच्छी आई हुई थी, ये मूली के पत्तों की सब्जी। और मूली के पत्ते कई बार इतने अच्छे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो इस बार मैंने मूली थोड़ी ज़्यादा ली और उसके पत्ते बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने तो 2 किलो ली थी मूली, और मूली के पत्ते मैंने सारे निकाल लिए हैं। और उसमें से जो बड़े पत्ते होते हैं, देखिए जो ऐसे पत्ते होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े, ऐसे बड़े बड़े ओवर, और जिसमें ये 6 को ये पके पके से होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, जल्दी से गलते नहीं हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इसको मैंने नहीं लिया है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। अपनी सारी मूली में से मैंने ऐसे ऐसे पत्ते लिए, ये देखिए जितने छोटे होंगे पत्तों की सब्जी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए ऐसे मैंने छोटे छोटे पत्ते सारे ले लिए। कोशिश करें ऐसे ऐसे ही ले, ज़्यादा बड़े ओवर बड़े बड़े होते हैं वो ना ले, और जितने छोटे होंगे उतनी मूली की सब्जी आपकी अच्छी बनेगी। देखिए जो पत्ता ज़्यादा बड़ा लगता है वो हमने नहीं लेना है, हमें छोटे छोटे पत्ते को यूज़ करना है। ये बड़ी है तो मैंने सिर्फ एक ही मूली को मैं यूज़ करूँगी, आपके पास छोटी छोटी है तो आप 2 का यूज़ कर ले। ये देखिए इसको मैंने साफ़ तो कर लिया है, मतलब तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, मूली के पत्तों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और अपनी मूली को भी मैंने छील लिया है। ये देखिए एकदम साफ हो चुके हैं। अब इसको छोटा छोटा हम काटेंगे, देखिए ऐसे ले लेंगे, इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट एकदम फ्रेश पत्ते हैं। इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप सिंपल परोठी के साथ खाइए। और पत्ते जितने छोटे लोगे, ये देखिए जितने छोटे लोगे आपकी सब्जी उतनी अच्छी बनेगी। ये जो ये वाला पार्ट है इसको मैं अलग कर दूँगी, ये देखिए बस मैंने इसको अलग कर दिया है। अब मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। मेरे को चक्कू के साथ ठीक लगता है, आपके साथ आप कंफर्ट हो उसके साथ आप कट करें। बहुत आराम से इजीली कट जाते हैं, फ्रेश है पत्ते एकदम, इसलिए। देखिए बस मूली के पत्ते हमारे कट चुके हैं। अब मैं अपनी मूली को कट करती हूँ छोटे छोटे पार्ट में इसको मैं, ताकि कट करनी मेरे लिए इजी हो। थोड़ा देखिए थोड़ा छोटा छोटा कट करेंगे। और देखिए व्यूअर्स, मूली भी हमारी कट चुकी है और पत्ते भी कट चुके हैं। अब करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। अब मैं इसको डालती हूँ कुकर में। व्यूअर्स इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, अपनी मूली और मूली के पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मूली में अपना ही बहुत पानी होता है। तो चलिए इसको हम बंद करके लगवा लेते हैं। चलिए व्यूअर्स अपना हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए 4 से 5 विसल मैंने इसमें लगवाई है और ये अच्छे से पक चुकी है हमारी मूली। देखिए और ये देखिए, अब मैं इसको छान लूँगी। हाथ से नहीं निचोड़ना है, जितना एक्स्ट्रा पानी खुद निकलता है बस उतना ही हाथ से नहीं निचोड़ेंगे। मैंने इसमें निकाल लिया है एक्स्ट्रा पानी, जो होगा निकल जाएगा, हाथ से हम नहीं निचोड़ेंगे। और इसको रख देती हूँ मैं 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम इसका इसमें तड़का लगाते हैं। व्यूअर्स, अपनी सब्जी को हम तड़का लगाते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और गैस मेरी हाई फ्लेम पे है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। मूली की पत्ते की सब्जी जब भी बनाएं आप, सरसों के तेल में बनाएं, अगर बहुत अच्छा उसका स्वाद चाहते हैं तो। और ये कुछ ही मसालों से बनती है, गिने चुने से मसाले, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये इसमें सरसों का तेल, मैंने इसमें डाल दिया जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। और जो हमारी सब्जी है ये देखिए, मैंने निचोड़ा नहीं है इसको,
एज इट इज़ है ये, जो एक्स्ट्रा पानी हमारा लिखा निकला हुआ था सिर्फ हमने वो ही निकालना है, बाकी हमने इसको हाथ के साथ नहीं निचोड़ा है। तो सारी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, एक टीस्पून भर के नमक ऐड करूँगी और मैं बाद में भी चेक करूँगी, इसमें कम होगा तो मैं और भी मिलाऊँगी, अच्छे से इसको मिलाऊँगी। इसमें अपना ही बहुत पानी होता है, ना अलग से पानी डालना है और ना ही हमने अलग से निचोड़ना है, जो खुद निकलेगा। बस अब इसको हमने अच्छे से भूनना है, इसका जितना भी टाइम लगता है ना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बस भूनने में लगता है। जब ये अच्छे से भून जाएगी कढ़ाई पे, देखिए अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है, जब कढ़ाई पे लगना शुरू हो जाएगी और एकदम इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमारी ये सब्ज़ी अच्छे से भून चुकी है। तो अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ढकेंगे नहीं, खोल के ही बनाएंगे इसको, पकने देते हैं हाई फ्लेम पे ही, ढकूंगी नहीं मैं इसको, बीच बीच में चलाते रहे। टेस्टी लगती है बहुत ये सब्ज़ी, ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश एकदम मूली और पत्ते होते हैं इसके, तो सिंपल रोटी के साथ खाएं आप, गरम गरम फुलके के ऊपर रख के आप इस सब्ज़ी को खाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत स्वाद आ जाता है। मूली के पत्ते खाने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए, तो कई लोग तो साग में भी ऐड करते हैं मूली के पत्ते, और कई ऐसे सब्जी बना के खाना पसंद करते हैं। ताज़ी सब्जी का है ना स्वाद वो तो अलग ही है, पकने देते हैं इसको। 5 मिनट हो गए हैं व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, नमक मिर्च इसमें थोड़ा सा ना करारा ही अच्छा लगता है, फिक्का फिक्का अच्छा नहीं लगेगा। और जो मूली है इनको हम थोड़ा ऐसे मैश कर देंगे पत्तों के साथ, एकदम मिल जाना चाहिए, गल चुकी है, हमने इसको बस भूनना है अच्छे से, क्योंकि जो फ्लेवर आएगा ना इसका वो भूनने से ही आएगा, इसको बस अच्छे से हमने भूनना है। देखिए बस कितना अच्छा सा कलर भी आया हमारी भुज्जी में, और भून कितनी कम भी हो चुकी है, लेकिन मैं इसको अभी और भी भूनूंगी 5 मिनट और। हमने हाई फ्लेम पे किया है, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं किया है। मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है और भुज्जी बनाते टाइम वो पानी हमारा बिल्कुल सूखना चाहिए। इसको अच्छे से फैला के इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, टेस्ट तभी आएगा और तभी सब्जी अच्छे से भुनेगी, जब तक सब्जी का पूरा पानी जल नहीं जाता। तो बीच बीच में चलाते रहे और अच्छे से इसको भूने, जल्दबाजी ना करें। देखिए लगने भी लग गई है हमारी कढ़ाई में, तो देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी हमारी मूली भून चुकी है, और इसको कुल लगी है 15 मिनट, तो बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा देसी घी, ऑप्शनल है, अगर आप को डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी, व्यूअर्स सब्जी हमारी बन के है रेडी। तो चलिए फ्लेम को मैं कर देती हूँ बंद और इसको हम सर्व करते हैं, सर्व करते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए ये मैंने बाउल ले लिया है, और ये देखिए आप भुज्जी देखिए ज़रा कितनी टेस्टी यमी, और खाने में इतनी स्वाद कि आप 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाएंगे। और बनाना आपने देख ही लिया कितना इजी है, कुछ भी नहीं डलता इसमें, ऐसा गिने चुने मसालों से ही बनके हमारी सब्ज़ी हो जाती है रेडी। और देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, और
इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है कि आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। देखिए, आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और आप भी इस विंटर बना के ज़रूर देखेंगे, ट्राई करेंगे मूली की ये भुजी, जो आपको आएगी बहुत ज़्यादा पसंद, ये मेरी गारंटी है। और आप भी बना के देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।